अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल जो हमारा लेक्चर था वो हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमने देखा, ऑटोगैनी भी हमने देखा, जाइग्नोगैनी भी हमने पढ़ा, हमने क्रॉस पॉलिनेशन भी पढ़ी। तो आज हमने देखना है ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन का एक तरीका, क्रॉस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में हम आज पढ़ेंगे कैसे होती है एंटोमोफिली। Entomophily. What is entomophily? Entomophily is the pollination by the agency of insects. It is the pollination by agency of insects. Pollination by agency of insects is called as entomophily. तो हम देखते हैं एंटोमोफिली, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पिछले लेक्चरों में दी है कि कैसे होती है ये एंटोमोफिली। आज हम बोरे प्लांट की बात करेंगे जिसका नाम है फिज। फिज तो आपने खाया भी होगा, बहुत मजेदार की चीज होती है फिज, आप सबने खाया होगा ये फिज। तो फिज में हम देखते हैं कैसे होती है एंटोमोफिली, कैसे फिज में होता है कि पॉलिनेशन हो जाती है। तो हम फिज का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो फिज आपने देखा होगा, फिज ऐसे होता है, दिस इज द फिज। और इस फिज का आपने देखा होगा, कश्मीरी में हम इसको बोलते हैं इंजीर, इंजीर हम बोलते हैं इसको कश्मीरी में। ये फिज आपने देखा होगा ऐसे, और इस फिज के अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर यहां पे होते हैं फ्लावर्स, फिज के अंदर यहां पे होते हैं फ्लावर्स, और यहां भी होते हैं फ्लावर्स, आप सबने देखा होगा, दीज आर ऑल फ्लावर्स, एंड दीज फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेशल मैनर। This type of inflorescence in fig, it is called as hypanthodium. This is called as hypanthodium. What is hypanthodium? Is it racemose inflorescence or cymose inflorescence? It is neither racemose nor cymose, but subspecial. When it is subspecial inflorescence, in case of fig, we see, हमने यहाँ पे देखना है, there are three types of flowers in it. तीन किस्म के फ्लावर्स इसमें है। यहां पे एक पोर है, ये आप देख सकते हो, दिस इज द पोर, और इस पोर के साइड में ये जो फ्लावर्स है यहां पे, दीज आर मेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स लाई टुवर्ड्स द पोर, और यहां पे बीच में बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, इनको बोलते हैं हम न्यूट्रल फ्लावर्स। These are neutral flowers. और ये बड़े फ्लावर होते हैं, बहुत सारे नाम है न्यूट्रल फ्लावर के। और लास्ट में जो नीचे वाला साइड है, ये वाला साइड, यहाँ पे देखते हैं हम फीमेल फ्लावर, these are female flowers. Means that in fish there are three types of flowers. Number first flower, it is the male flower. Number second flower, it is neutral flower, it lies at the center, and these are the female flowers. But in case of some fishes, these neutral flowers may lie at the base, but generally they are found at the center. Means that a fish plant has male flowers over here, female flowers over here, female flowers at the base and neutral flowers at the center. अब देखते हैं पॉलिनेशन कैसे होगी। फिश तो चूंकि बंद है, आपने देखा होगा, खाली ये एक पोर है, और इस पोर के अंदर कौन जाएगा पॉलिनेशन करने के लिए, कोई इंसान तो जा नहीं सकता, किसी आप कोई बी लाओगी तो वो भी नहीं जा सकता, तो कोई छोटा सा कोई जीव ऐसा होना चाहिए जो पॉलिनेट करेगा। तो खुदा ने एक जीव को पैदा किया है जिसका नाम है ब्लास्टोफैगा, दिस इज द ब्लास्टोफैगा वैस्प, ब्लास्टोफैगा वैस्प जो होती है, बहुत छोटा होता है ये ऑर्गेनिज्म ब्लास्टोफैगा वैस्प, और जो ब्लास्टोफैगा वैस्प होता है, ये विजिट करेगा इस पेड़, इस प्लांट में आ जाएगा, इस फ्लावर के अंदर आ जाएगा, हाइपनोथोडियम के अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये ब्लास्टोफैगा वैस्प? इसमें दो होते हैं सेक्स, मेल एंड फीमेल। जो ब्लास्टोफैगा वैस्प की फीमेल होती है, फीमेल जो होती है इसमें, ये फीमेल एग्स ले करने के लिए, व्हेन इट इज इंप्रेग्नेटेड, एग्स ले करने के लिए आएगी ये फ्लावर में, ये ढूंढती रहती है कि मुझे कहां पे अपने फ्लावर ले करने होते हैं। एक्चुअली ये तो ऊपर वाले को करना होता है कि इस
फिज को मैं कैसे पालिनेट करूं, कैस किस जीव को मैं यहां पे लाऊं, तो ब्लास्टोफैगा वैसप को सिलेक्ट किया गया है, सिलेक्शन इज डन बाय ऑलमाइटी, और ब्लास्टोफैगा वैसप की जो फीमेल होती है इसको एग ले करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, और जगह इसको मिलती है यहीं पे, ये अंदर आ जाती है स्पोर के थ्रू, मींस दैट इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है और यहां से अंदर आ सकती है क्योंकि खुद ये बहुत छोटी है। जब ये अंदर आई, अंदर ये सारा मुआयना करने के बाद देखती है कि मुझे एग्स कहां पे ले करने हैं, तो फाइनली इट लेज एग्स ओवर हियर, और बहुत सारे छोटे छोटे एग से ले करती है। आप खुद सोचो ये जीव जो है बहुत ही स्मॉल होता है, अब इसने एग्स जो ले के, वो एग्स कितने बड़े हो आपको तो खुद मालूम होगा, बहुत ही छोटे छोटे एग्स। ये एग्स ले करने के बाद जब इसने यहाँ पे अपने अंडे दिए, एग्स दिए, अब ये जीव वापस चला जाता है, एक स्पोर के थ्रू वापस चला जाएगा। लेकिन एग्स तो यहाँ है ना, जो एग्स यहाँ पे फंस गए, जो इसने यहाँ पे एग्स छोड़े, इन एग्स को आप खुद ब खुद वार्मिक खुद हासिल होती है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं वार्मिक किस कारण हासिल होती है, क्योंकि ये सारा फीट जो है बंद है, ना वाटर के आने का चांस है, ना किसी और एजेंसी के आने का चांस है, तो ये एग्स जो होती है ये हैच होती है और इसमें छोटे छोटे जीव बाहर निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं गर्भ, GRBS, ये जो गर्भस निकलती है छोटे छोटे जीव के बच्चे होते हैं। जब ये बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, एग्स के थ्रू निकले, अब ये जीव क्या करेंगे, ये आप यहाँ पे कुछ खाना शाना खाएंगे, इंदर फार्मा में जो गाल फ्लावर से बड़े फ्लावर है, न्यूट्रल फ्लावर, इनका जो रस होता है नेक्टर थोड़ा सा वो ये लेंगे, और बड़े होने के बाद ये थोड़े से अब बड़े हुए, थोड़े से बड़े, व्हेन दे आल्सो बिकम फुली ग्रोन, जब ये बड़े हुए तो एक और चीज होती है साइमल्टेनियसली, देखो जब इनकी माँ आई थी यहाँ पे तो उस वक्त ये जो मेल फ्लावर थे फीमेल फ्लावर थे ये कभी मैच्योर नहीं हुए थे, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये एग्स इनमें से बच्चे निकले, इनमें से गर्भस निकले, तब तक ये मेल फ्लावर भी मैच्योर हुए होते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो गर्भस अंदर बैठे हैं यहां से तो लाइट आती है इस पोर से, ये तो देखते भी है इस लाइट को, तो एक दिन ऐसा होता है ये गर्भस जो है यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ये भी दुनिया को देखना चाहते हैं, यहां से वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले इन गर्भों में कुछ मेल होते हैं कुछ गर्भों में फीमेल होते हैं, ये अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोडक्शन के बाद जो फीमेल होती है यूजुअली ये काम करती है, ये बाहर निकलेंगे अब यहां से, जब ये बाहर निकलेंगे इस फिज के स्पोर के थ्रू, जब ये कोशिश करेंगे बाहर निकलना, व्हेन इट विल ट्राई टू कम आउट, यहां पे हम देखते हैं तब तक यहां पे मेल फ्लावर मैच्योर हुआ होगा। आपको समझ आ रही है मेरी बात, मेरे कहने का मतलब है जब ये गर्भस इनके बच्चे जब फुली ग्रोन हुए इसी टाइम में यहां पे मेल फ्लावर भी मैच्योर हुए होते हैं, और इन गर्भों ने आपस में रिप्रोडक्शन भी की होती है, मेल फीमेल इसमें होते हैं, फीमेल अगेन इंप्रेग्नेटेड होती है विद एग्स, और यहां से आप ये वापस निकलेंगे इस पोर के थ्रू, जब ये पोर के थ्रू निकलने की कोशिश करेंगे तो कॉमन सेंस है यहां पे मेल फ्लावर तैयार हुए हैं, इनके जो पोलन ग्रेन है वो तैयार हुए हैं, जैसे ही ये कोशिश करेंगे स्पोर के थ्रू बाहर आने की, इनकी बॉडी पे जो है पोलन ग्रेन इनकी बॉडी पे सिटक कर जाएंगे। जब ये बाहर अब निकले, ये बच्चा बाहर निकला, ये वैश्व बाहर निकला, इसकी बॉडी पे यहां आप देख सकते हैं यहां पे पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन किसके हैं, इस फिज के। अब जब ये पोलन ग्रेन इसकी बॉडी पे सिटक है, अब ये जाएगा इधर उधर घूम के फिर के आएगा, अब ये वापस आ जाएगा फिज पे, लेकिन इसको अब थोड़ी एक फीच नजर आएगा, अब ये किसी और प्लांट पे किसी और फीच पे जाए, जब ये वहां एंटर हुआ उस दूसरे वाले फीच में, वहां एंट्री के बाद पोलन ग्रेन तो इसकी बॉडी पे तो है, वहां एंट्री जब ये करेगा वहां पे नीचे ऐसे ही होती है फीमेल फ्लावर्स, और उन फीमेल फ्लावरों को ये पोलन ग्रेन स्टक कर जाएंगे, और दिस विल रिजल्ट इन द पॉलिनेशन, क्योंकि इस फीच के पोलन ग्रेन इसने उठाए अपने बैग पे और दूसरे प्लांट को इसने विजिट किया, तो अल्टीमेटली जब ये दूसरे प्लांट को विजिट करेगा वहां ये पोलन ग्रेन सेटल करेंगे वहां के फीमेल फ्लावर पे, और दिस विल रिजल्ट इन पॉलिनेशन, बट
This pollination is cross pollination, and the agency involved over here is Blastrophagus. So in nutshell, in case of fish, the pollination occurs by the agency of insects. Insect क्या करने आता है यहाँ? Insect आता है to lay the eggs. When it lays the eggs, and in turn there occurs the hatching of the eggs. Eggs में से गर्भस पैदा हुए. वो गर्भस जब बड़े हुए, जब ये egg से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे आप, तब तक यहाँ पे male flower तैयार हुआ होगा. Pollen grains attack कर चुके होंगे. अब ये दूसरे plant को visit करेगा. वहाँ पे वो pollen grains दूसरे plant के female parts पे गिर जाएंगे, stigma पे गिर जाएंगे, and it will result in the pollination. This is how pollination occurs in case of fish. इंशाल्लाह जो कल का हमारा टॉपिक है वो पॉलिनेशन का कंटिन्यू रहेगा. दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ एंटोमोफिली एंटोमोफिली पॉलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ ब्लास्टोफैगा वैस्प एंड इन केस ऑफ फिश. थैंक यू.